ग्वालियर जिले की ग्वालियर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इस बार प्रद्युमन सिंह तोमर के सामने चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। ग्वालियर में सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं के अलावा कांग्रेस उम्मीदवार भी उनको कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वो इस चुनौतियों से सफल हो पाएंगे? वहीं मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर रहने वाले स्थानीय लोगों ने बताया है कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार बाकी ग्वालियर की जनता बदलाव के मूड में है और क्या प्रद्युमन सिंह तोमर अपनी सीट बचाने में कामयाब होंगे या उन्हें अपनी सीट से हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि 3 दिसंबर को मतदान की मतगणना होगी, इसके बाद ही स्थिति साफ होगी। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की विशेष रिपोर्ट। आज हम लगातार प्रद्युमन मंत्री का एरिया कहलाता है जहाँ प्रद्युमन सिंह तोमर रहते हैं और इस एरिया को कांच मील कहते हैं। तो यहाँ पर जनता की राय जानने आए हैं कि जनता को किस प्रकार का प्रत्याशी चाहिए, क्या जनता को बदलाव चाहिए नहीं चाहिए, ये जनता की राय है। तो सरकार बदलना चाहिए, क्यों, क्या कारण? अब जिस कारण है 18 साल हो गई सरकार, तो कांग्रेस की बनेगी ना? बनेगी, और क्या, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। प्रद्युमन जी, तो ये इनके बारे में कुछ क्या कहेंगे आप? इनके बारे में क्या कहेंगे, एक आदमी जीत जाएगा तो उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। बदलाव की लहर है, बदलाव की लहर, बदलाव की लहर। वोटर इस समय शांत है, वोटर शांत है, जनता शांत है, बदलाव चाहती है जनता। आपको मालूम इस समय आज नेताजी का रिपोर्ट कार्ड, जो नेताजी यहाँ पर इस समय विधानसभा 15 आई और ग्वालियर में काजमिल में है इस समय, तो यहाँ की जनता के बीच में हम लेने आए नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। तो मेरे यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। भैया, जनता का रुख तो ये कह रही है जनता के बदलाव होना चाहिए, बदलाव। जैसे अब हमारी पेंशन तो 600 रुपए की मिलती थी, वो ही नहीं मिल रही, वो ही नहीं मिल रही, वो ही नहीं। अब ये बताओ, औरों के बढ़ गए, हर एक के बढ़ा दिए, लेकिन हम लोगों को वो भी नहीं दे रहे, 600 भी नहीं दे। जनता शांत है, रुख नहीं समझ सकते आप, बदलाव तो चाहती है, बदलाव चाहती है, बिल्कुल बदलाव तो होना ही चाहिए। हम तो जीवन भर से कांग्रेस ही का वोट देते हैं। हाँ, तो बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए। हमारे 6 बच्चे एमए कर रहे और किसी को बच्ची का पूरा खा गए 7 साल से। अरे, और क्या, कौन ये सरकार खा गई हो, को खा गया मतलब बीजेपी, बीजेपी और क्या। हमारे 6 बच्चे सब एमए कर रहे, एक उम्र को एक पैसा बच्ची का नहीं मिला 7 साल से। बदलाव नहीं होना चाहिए, और क्या, और नौकरी किसी की नहीं हो रही है, एक भी बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, क्या करे? लड़का दे पाए तो बदलाव चाहिए, बदल जाए तो बदल जाए, या तो बदल जाए। देखो, जनता के ऊपर है जी, जनता को मजबूर होगी या उसे लग रहा होगा तो परिवर्तन होगा, वो आकर जनता खुश है। जनता की राय तो आप जनता ही हैं, जनता में आप तो आप ही कह रहा है, आप अपनी बता, बदलाव होगा हमारे हिसाब से तो परिवर्तन होगा। क्या हिसाब, देखो अभी तक मैंने इतनी उम्र में तो नहीं देखा कि 20 साल किसी ने शासन एक साथ किया हो। तो 20 साल शासन किया, अच्छे काम की वजह से किया, जनता ने चुना उन्हें, नहीं किया ना 20 साल, कोई शासन नहीं चला मध्य प्रदेश के अंदर। अभी ये बीजेपी हालांकि काम अच्छा कर रही, विकास कर रही है, ऐसा नहीं है, विकास में तो आज तक के समय में सबसे आगे है। इस बार अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पब्लिक कुछ और कह रही है कि परिवर्तन होना पब्लिक, चाहिए। पब्लिक आप भी हो, आप अपना मत नहीं आप। नहीं, पब्लिक में तो मैं भी आ रहा हूँ। परिवर्तन है या नहीं, परिवर्तन का अभी कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ये दो शब्द वैसे जहाँ तक है परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जनता बहुत रुष्ट है, क्योंकि 15 साल से राज कर रही है जनता पार्टी, तो एक बार जैसे राजस्थान में जैसे पलट गई है, तो भाई ऐसे मतलब यहाँ भी होना चाहिए, वैसे बदलाव तो आना चाहिए। ऐसे कि ये बच्चा फिर रहे पढ़े लिखे, कोई ठिकाने पे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। अब जो माता जी ने कहा वही होना चाहिए। क्या क्या कहा माता जी? माता जी ने जी कहा कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव, बीजेपी सरकार है,
बदलाव की, हर कुछ नहीं हो रहा है, कोई मदद नहीं, बेचारे भूखो प्यास में मर रहे हैं, इसलिए बदलाव की। एक पैसा जेब में नहीं है। योगेश जी कहाँ रहते हो आप? कांचवीर। कांचवीर, तो इस बार उम्र कितनी आपकी? 20 साल। वोट डालोगे? डालूंगा। तो आज कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? ये सुनील शर्मा जैसा। नहीं, सुनील शर्मा क्यों, प्रद्युमन जैसा क्यों नहीं? मैं सुनील शर्मा मैं कांग्रेस की तरफ से रहता हूँ शुरू से। नहीं, प्रद्युमन सिंह तोमर तो कितने अच्छे हैं, वो तो काम करते हैं पूरा। अगर कांग्रेस ही है तो कांग्रेस की दे रहा है। मंत्री जी क्यों नहीं, मंत्री बताओ, प्रद्युमन सिंह तोमर बेचारे जनता के हित के लिए गटर में उतरते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, जनता के हित के लिए वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जनता के हित के लिए झाड़ू लगाते हैं, तो प्रद्युमन जैसा क्यों नहीं चाहिए आपको? अपनी अपनी सोच है लेने वाले की, मैं कांग्रेस पर पसंद है। ठीक है, प्रत्याशी जी आप? प्रत्याशी अपन को चाहिए बीजेपी और प्रद्युमन तोमर जैसा। नहीं, क्यों बीजेपी ऐसा क्यों चाहिए? नहीं, अच्छा काम काज कराते, सब कुछ कराते, बढ़िया सपोर्ट करते। जो आप बीजेपी क्यों पसंद कर रहे हैं? नहीं, पसंद करते हैं, जरूरत पर पे आते हैं, काम करती है, जरूरत पड़ती है सारा काम करवाती है, जब जहाँ जरूरत पड़ती है अच्छा काम काज है, सब कुछ सही है। बीजेपी और कांग्रेस अपना प्रद्युमन सिंह तोमर जी खड़े हुए हैं, उनको ही वोट जाएगा हमारा। तो मैंने आपसे पूछा नहीं, कांग्रेस के लिए कौन खड़े हुए? कांग्रेस के लिए सुनील शर्मा जी खड़े हुए हैं। अच्छा, तो दोनों में प्रत्याशी अच्छा कौन है? हमारे प्रद्युमन सिंह तोमर जी अच्छे हुए, अच्छे नेता हुए। तो जैसा कि आपने देखा नेता जी का रिपोर्ट कार्ड, ये यहाँ की जनता ने क्या मत बनाया है, ये आपने खुद जनता के मुंह से सुना, और आज हम निकले हैं यहाँ पर और लगातार दिखाई रहे हैं कंटिन्यू। आज हम मंत्री जी जो यहाँ से महज 100 से 150 मीटर दूरी रहते, वहाँ के रहवासियों ने बताया है कि जनता जी के कार्य से रुष्ट हैं या नहीं, ये जनता की जवानी थी। अब अगला हम जो कल आपको दिखाएंगे, वार्ड नंबर 3 में जाएंगे, और इस विधानसभा 15 में पूरा हम घूम रहे हैं, जो प्रेजेंट में मंत्री जी यहाँ पर प्रद्युमन सिंह तोमर जी, तो उनका जनता का क्या रिपोर्ट कार्ड था, ये आपने पूरा जनता के मार जवानी सुना। मैं योगेश विसारिया, MKN न्यूज़ ग्वालियर। तो जनता के इन तमाम बयानों और राय से हम समझ सकते हैं कि मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की राह अब आसान नहीं है, क्योंकि पिछले जिन वादों को लेकर वो उपचुनाव में उतरे थे उनमें से महज 50% ही वादे वो पूरे कर पाए हैं। ऐसे में जनता में काफ़ी नाराजगी भी देखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि जनता इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ में थमाएगी।